मार्लिन, कभी तो इस तरह धमकने से पहले कुछ तो बोल दिया करो। ये तो अच्छा हुआ हमने डिफेंस सिस्टम ऑन नहीं कर दिया। टियर गैस, ब्लू डार्ट्स, लैंड माइंस, सब कुछ डाला है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा है? अच्छा, आज कल में ही तुम ये जान जाओगी कि दुनिया में सिर्फ एक ही भाषा चलती है, फोर्स की। और मैथ्स की। ओ हाँ, फोर्स और मैथ्स, साथ ही म्यूजिक भी। फोर्स, मैथ्स और म्यूजिक ही वो चीजें। और हंसी। जरूरी बात ये है कि हम सिर्फ फोर्स में मानते हैं और हमें सिर्फ ये सोच कर तसल्ली है कि हमारे इलाके में कोई नहीं, कोई भी नहीं घुस सकता। मैं हूँ मंचला, ना जाने मैं किसके घर में पला। हाय, क्या हाल है? रोजर, तुम हमारे डिफेंस सिस्टम से बचकर कैसे आ गए? मैं तो बस सामने के दरवाजे से आ गया, वहां से। तो फिर हमारे सिक्योरिटी रूल्स के हिसाब से या तो तुम दुश्मन के एजेंट हो या हमारे मेहमान। अगर मैं कुछ देर यहाँ रहूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? वैसे अगर सच कहूँ तो तुम इसे अपना ही घर समझो। घर एक वही तो नहीं रहा। जितना सामान ले सको ले चलो, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से हमारा टारगेट हमसे तकरीबन 17 मील दूर है। ओह नहीं, सिर्फ 17 फीट। पहले मुझे सिर्फ चिढ़ाते थे, फिर मेरा खाना लेने लगे, और अब उन्होंने तुम्हारा घर ले लिया और जाने का नाम नहीं ले रहे। पर मैंने सब करके देख लिया, मैंने उन्हें प्यार से कहा और उनके लिए केक भी बनाया। सही कहा रिको, क्या तुमने एक बार भी उनकी धुलाई करके उन्हें भगाने की कोशिश की? नहीं नहीं, ये तो हिंसा है ना। कभी कभी करनी पड़ती है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तुम्हारे जरिए किसी को भी चोट पहुंचाना सही बात नहीं लगती। ओ डरो मत, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाले, तुम पहुंचाओगे। क्या? जाओ उन्हें दिखा दो कि तुम कितने खूंखार हो। लेकिन मुझ में वो बात नहीं है। तो फिर तुम्हारे ये पंजे किस लिए हैं? ये दांत किस लिए हैं? ये तो क्राफ्ट करते वक्त, सिलाई करते वक्त काम आते हैं। और जरा अपनी तरफ देखो, तुम एक एलिगेटर हो, एक खूंखार किलिंग मशीन। वो बस मामूली चूहे हैं। तुम बस कुदरत को अपना काम करने दो। चलो बोलो। कुदरत को अपना काम करने दो, कुदरत को अपना काम करने दो, कुदरत को अपना काम करने दो। सुनिए, मुझे लगता है कि पहले मैं अपना काम कर लेता हूँ, ऐसे और ऐसे और अब ऐसे और अब ये लो और यहाँ पर ऐसे और अब कान के नीचे भी। लगता है कुदरत ने अपना काम कर दिया। चलो घबराओ मत रोजर, हम तुम्हें तबाही और जलजले की मशीन में बदल देंगे। तुम्हें सिखाने के लिए मुझे ये जानना होगा कि मैं किसे सिखा रहा हूँ। रिको की मिसाल ले लो, ये एक अव्वल दर्जे का सरफिरा है, इसलिए हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसे काम लेते हैं। हम तुम्हारे किसी भी हुनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे एक चीज तो है, पर मुझे लगता नहीं उससे कुछ मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है, तुम्हारा कोई भी हुनर काम आएगा, कोई भी। जानते हो, मैं हमेशा से एक सिंगर बनना चाहता था। जब चांद छाए बादलों पर, तकिए पर रख लो अपना सिर, हो जाओ तुम सपनों में गुम, सुबह उठकर मचानी है धूम, निंदिया रानी बादलों पे सवार, आएगी आसमां के। बस बस, ओके, पता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा कोई भी हुनर काम आएगा। हाँ हाँ हाँ, तो मैं गलत था। रिको, सोने का वक्त नहीं है। शायद हमें रोजर को रोजर ही बने रहने देना चाहिए, वो अंदर से जैसा है उसे बदलने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तुम सही हो प्राइवेट, हम रिको के बेलगाम गुस्से को निकाल कर रोजर के अंदर नहीं डाल सकते, है ना? दिमाग बदलने वाली मशीन, हाँ, इसमें दर्द होगा क्या? हल्की पिन जैसी चुभेगी और उसके बाद दिमाग में हजारों बम फटने का एहसास होगा। फिर मुझे लॉलीपॉप मिलेगा ना? डर लगता है स्किपर, क्या रोजर को जैसा है वैसा नहीं रख सकते? तुम यूं ही डरते हो प्राइवेट। अब हम तैयार हैं रोजर और रिको का दिमाग बदलने के लिए 17 स्पीड वाले किचन ब्लेंडर से। तो रिको को रोजर के शरीर में उन चूहों की धुलाई करने के बाद हम उन्हें बदल देंगे ना? बिल्कुल, ये 100% काम करता है। देखने जाओ तो ये सिर्फ 2.7% काम करता है। इसमें 97.3% चांस है कि ये काम नहीं करेगा, और साथ में ये भी हो सकता है कि इसके काम करने के बाद का नतीजा बहुत ही भयानक और खूंखार हो। मुझे एतराज नहीं।
अब शुरू करते हैं। पहले है चॉप, फिर ग्रेट, क्रीम, मिंस, बीट, व्हिप, क्रश्ड आइस। अच्छा, ये तो आगे भी काम आएगा। और अब बारी है आखिरी बटन की। रिको, मुझसे बात करो। नहीं, ये मैं हूँ, रॉजर। रॉजर, हमने क्या दिखाया? स्किप, अगर ये रॉजर है तो फिर रिको कहाँ है? प्लीज तुम शांत हो जाओ रॉज। मैं तुम्हें रॉज बुला सकता हूँ ना? वो तुम्हारा बनाया हुआ केक कहाँ है? वाओ, मुझे यकीन नहीं होता मैं ये सब कर रहा हूँ। मुझे बुरा लग रहा है। पर तुम ये याद रखो रॉजर, असल में वो तुम नहीं हो। फिर भी मैं किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं। ये सब चीजें मेरे अंदर क्या कर रही है, ये अच्छा नहीं है। नहीं रॉजर, तुम ये याद रखो, ये असल में तुम नहीं हो। तुमने तो कहा था वो असल में ये नहीं है। वो मैं। एक बात कहो ना प्राइवेट, कोई मुझे प्लीज बताएगा कि कौन सा वाला मैं नहीं हूँ? क्या फर्क पड़ता है, उसने या तुमने अब उसका या तुम्हारा घर वापस ले लिया है। मिशन पूरा हुआ, अब और क्या चाहिए? बात इतनी भी सीधी नहीं है स्किपर। दरअसल मैंने ध्यान नहीं दिया कि दोनों के शरीर की बनावट बिल्कुल अलग है और साथ ही स्वभाव भी। हो सकता है कि रॉजर के शरीर में रिको का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाए। वो तो रुक जाओ रिको। रिको, रिको। रिको ने पहले कभी नाफरमानी नहीं की है, और उस वक्त भी नहीं जब मैंने उससे अपने पैर से सांप का जहर पीने को कहा था। वो शेर की तरफ जा रहा है। हमें रोकना होगा उसे। मुझे, उसको, उस चीज को पकड़ो उसे। हमारा टारगेट बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्राइवेट, वो वायर्स तैयार करो। कोल्स्की, तुम दिमाग बदलने की तैयारी करो। और रिको। मैं क्यों? मैं तो रॉजर हूँ। अरे हाँ, भूल गया था। पर मैं मदद कर सकता हूँ, मुझे बताओ। मुझे मदद करनी है, बताओ मैं क्या करूँ। मैं तुम्हारी। तुम इस तरह के काम के लिए नहीं बने हो। चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ। अब साथियों, मुझे आजमाओ मत रिको। अगर मुझे तुम्हारे साथ सख्ती बरतनी पड़ी तो भी बरतूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे रुको रिको, गलत बात। जब चांद छाए वो आवाज, वो मीठी और प्यारी आवाज, अपना से हो जाओ तुम सपनों में गुम। सुबह उठकर मचानी है धूम, निंदिया रानी बादलों पे सवार आएगी आसमां के पार। तो तुम भी चलो सो जाओ मेरे यार, सुनते हुए ये प्यार भरी धुन। तो दोस्त, तुम जब चाहो तब हमारे यहाँ रहने आ जाना। थैंक्स दोस्तों, मुझे रोने का मन कर रहा है। पेंगुइन्स रोते हैं क्या? अगर मैं। हमें जल्द से जल्द इन दोनों के दिमाग की अदला बदली करनी होगी। ठीक है दोस्तों, पहले से शुरू करो। अ वन, अ टू, अ थ्री। हम खाए टॉफी, कॉफी, लॉलीपॉप, चाहिए हमें मीठे मीठे लॉलीपॉप।
लॉलीपॉप्स नहीं चाहिए कराटे चॉप्स, वावे 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 लॉलीपॉप्स।